सा हो रहा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? अयोध्या रेप केस पर अखिलेश यादव ने ये मांग कुछ दिनों पहले ही सरकार के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में डीएनए टेस्ट होना ही चाहिए। उनके इस बयान और मांग के बाद राजनीतिक रूप से काफी बयानबाजी भी देखने को मिली थी, लेकिन योगी सरकार ने आखिरकार अखिलेश यादव की इस मांग को मान लिया है। अब अयोध्या रेप कांड में मुख्य आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मोहित के साथ उसके नौकर राजू का भी टेस्ट कराया जाएगा। यूपी सरकार ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात मान ली है। सपा अध्यक्ष ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में दोनों आरोपी इन दिनों अयोध्या की जेल में बंद हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों मोहित खान और राजू का डीएनए टेस्ट कराएगी। अयोध्या सीओ आशुतोष तिवारी के मुताबिक सिर्फ मोहित खान ही नहीं, राजू का भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएनए एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस जल्द ही आरोपियों का सैंपल ले सकती है। इसकी तैयारी भी की जा रही है। एक बार फिर आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अयोध्या मामले पर अपनी बात रखते आ रहे हैं। उन्होंने ही डीएनए टेस्ट की मांग उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए, यही न्याय की मांग है। उधर इस केस में अभी तक आरोपी मोहित खान का मोबाइल नहीं मिल पाया है। पुलिस मोहित को रिमांड पर लेकर मोबाइल रिकवर कराने की तैयारी कर रही है। आरोप है कि मोहित ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल कर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते थे। आपको बताते चले कि लखनऊ के केजीएमयू में पीड़िता का गर्भपात कराया गया है। इस प्रक्रिया में भ्रूण का डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका है। इस सैंपल को आरोपियों के डीएनए सैंपल से मिलाया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में तस्वीर साफ हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस जल्द ही आरोपियों का सैंपल ले सकती है। इसकी तैयारी की जा रही है।